हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस होते क्या हैं, इन्हें कैसे बनाया जाए इंग्लिश में। हिंदी में सभी जानते हैं जैसे कि कोई सेंटेंस कैसे बनता है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह सो रहा है, वह लिख रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह टीवी देख रहा है, वह पिज़्ज़ा खा रहा है। ये सभी हुए सेंटेंस हिंदी में। हिंदी में सभी बना सकते हैं, मगर यही बात अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो कैसे बोलेंगे। इन्हें आज हम आपसे मतलब सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश में बनाए जाते हैं। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देखो, स्ट्रक्चर देखो कि क्या होता है। इंग्लिश में सबसे पहले लगाया जाता है सब्जेक्ट। क्या लगाया जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम को करने वाला, जैसे मैं, आप, तुम, रानी, सीता, मोहन, सोहन। ये क्या है? सब्जेक्ट, कार्य को करने वाले। वर्ब, क्रिया, कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, टीवी देखने का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। ये सब क्या हुए? क्रिया, कार्य, कौन से कार्य? ऑब्जेक्ट, वह इंग्लिश पढ़ रहा है, वह हिंदी पढ़ रहा है, वह स्कूल जा रहा है। जे क्या हुए? सारे ऑब्जेक्ट। जैसे फुल एग्जाम्पल देखो, वह पढ़ रहा है, जे क्या हुआ? पहले वह सब्जेक्ट, वर्ब पढ़ रहा है, वर्ब क्या हुई? पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। जे तो हुई हिंदी में पहचान। ठीक, अब हिंदी में देखो कैसे बना सकते हैं हम सेंटेंस। इसका कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ इन हिंदी, फर्स्ट इसमें क्या लगाया जाता है? सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला, कर्ता। फिर बाद में क्या लगाया जाता है? ऑब्जेक्ट। फिर बाद में वर्ब, राइट? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? मैं, तुम, वो, स्कूल, सोहन, मोहन, मतलब किसी का नेम, प्रनाउन, ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट। कर्ता, ऑब्जेक्ट, कौन सा कार्य किया जा रहा है? फुटबॉल खेलने का कार्य किया जा रहा है, इंग्लिश लिखने का कार्य किया जा रहा है, टीवी देखने का कार्य किया जा रहा है, ये क्या हुए? ऑब्जेक्ट। वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या होती है? पढ़ना, लिखना, सोना, मदद करना, ये सारे क्या हुए? क्रिया। अब मैं आपको यही बात स्ट्रक्चर को कुछ उदाहरणों के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगी। आई होप आप सब पसंद करेंगे। इंग्लिश सेंटेंस एग्जाम्पल, राम, राम दिस इज सब्जेक्ट, प्लेस दिस इज वर्ब। क्या है? वर्ब। फुटबॉल दिस इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। राम, राम क्या है? सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला। प्लेस क्या कर रहा है? खेलने का कार्य। ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहा है? फुटबॉल। राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। कौन सा कार्य हुआ? सब्जेक्ट राम, वर्ब प्लेस फुटबॉल, ऑब्जेक्ट फुटबॉल खेलने का कार्य कर रहा है। राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। ये तो हुई इंग्लिश में। अब हिंदी में कैसे लिखेंगे? सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, बाद में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, लास्ट में खेलता है, वर्ब। क्या लगाई जाती है? वर्ब। क्लियर? और एग्जांपल देखो, मोनिका इज ए गुड गर्ल। मोनिका क्या हुई? सब्जेक्ट, दिस इज एडजेक्टिव। ये तो सिंपल हुआ। मोनिका इज ए गुड गर्ल, सोहन इज ए गुड गर्ल, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। मोनिका गुड गर्ल है, मोनिका अच्छी लड़की है। हिंदी में मोनिका सब्जेक्ट, अच्छी लड़की है, दिस इज एडजेक्टिव, विशेषण, क्रिया। और देखो,
दे आर प्लेइंग मैच, दे आर प्लेइंग मैच। दे सब्जेक्ट, आर प्लेइंग वर्ब, दिस इज वर्ब। क्रिकेट मैच, दिस इज ऑब्जेक्ट। वह क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। वह सब्जेक्ट कार्य को करने वाला, आर प्लेइंग खेलने का कार्य हो रहा है, क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट। कौन सा मैच? क्रिकेट। ये तो इंग्लिश में पहचान, हिंदी में कैसे बना सकते हैं? वह सब्जेक्ट क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। क्या है हुआ? ऑब्जेक्ट खेल रहे हैं, दिस इज वर्ब। क्या हुई? वर्ब। क्लियर? और एग्जाम्पल देखो, रानी हेल्प्ड हर मदर। रानी, रानी क्या है? सब्जेक्ट। हेल्प्ड वर्ब। हर मदर ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। रानी अपनी मात रानी ने अपनी माता की सहायता की। क्लियर? इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर वर्ब लगाई जाती है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। सेम एग्जांपल, रानी ने अपनी माँ की मदद की। रानी ने अपनी माँ की मदद की। रानी क्या है? सब्जेक्ट। ने अपनी माँ, अपनी माँ क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट की मदद की। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? वर्ब। और एग्जांपल एक देखो लास्ट में, प्रीति एंड हीना वॉश टीवी। सॉरी, हाँ वॉश नहीं, वॉच। प्रीति एंड हीना सब्जेक्ट वॉश, दिस इज वर्ब। टीवी ऑब्जेक्ट। क्लियर? प्रीति एंड हीना सब्जेक्ट हुआ, कार्य को करने वाला। वॉच कौन सा कार्य कर रहे हैं? टीवी देखने का। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? टीवी। प्रीति एंड हीना वॉच टीवी। प्रीति एंड अते हीना टीवी देखते हैं। प्रीति और हीना ने टीवी देखा, देखते हैं। क्लियर? दिस इज सब्जेक्ट, ने टीवी देखा। ऑब्जेक्ट वर्ब। क्लियर? आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम जे तो मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बेसिक सा बताया है, नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे सेंटेंस की के अलावा टेंस कैसे बनते हैं। जे तो हुआ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।